हेलो गाइस। तो कभी कभी हम वर्ड में काम कर रहे होते हैं और हमें ज़रूरत पेश आती है कि हमारे पास जितने भी पेजेस हैं उनमें से एक पेज लैंडस्केप हो जाए और बाकी सभी पेजेस पोर्ट्रेट में रहें। तो इसी की सेटिंग के बारे में हम आज बात करेंगे कि कैसे हम सिर्फ एक पेज को लैंडस्केप कर सकते हैं, बाकी सभी पेजेस को पोर्ट्रेट में रहने देंगे। जी तो मैं वर्ड में आ चुका हूँ। इधर हमारे पास सिर्फ एक सिंगल पेज है, ब्लैंक। तो ये मैं इधर से मज़ीद पेजेस ऐड करूँगा। तो इसके लिए आपको लेआउट में जाना है, सॉरी इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपने ब्लैंक पेज जो है वो ऐड करने हैं। तो ये 4, 5 और 6, ये मैंने 6 पेजेस ऐड किए हैं। तो ये अभी हम इनका प्रिंट व्यू कर लेते हैं। ये प्रिंटर का व्यू है जी। जी तो वापस आते हैं। तो इधर हमने 6 पेजेस ऐड किए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सेकंड वाला पेज जो है ये लैंडस्केप हो जाए। तो सिंपल तरीका, आपने सबसे पहले लेआउट में जाना। लेआउट में जाने के बाद आपने इधर आपको सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक के पेज ब्रेक पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, ये पेज ब्रेक पे तो आपने क्लिक कर लिया, लेकिन जिस पेज को आपने करना है उससे नेक्स्ट वाले पेज पे भी आपने पेज ब्रेक लगाना है। तो ये जैसे मैंने लगा दिया तो ये सेंटर में एक पेज ब्रेक हो गया है। तो मैं अभी सिंपली जाऊँगा ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन पे जाने के बाद इसे लैंडस्केप कर दिया। तो ये देखिए, आपका एक सिंगल पेज जो है वो लैंडस्केप हो चुका है। तो ये मेरे पास 6 पेजेस थे। एंड वाला मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि मज़ीद आपको अच्छा दिखाई दे। तो ये थर्ड वाला पेज जो है, ये प्रिंटर का प्रीव्यू भी देख लें आप। सिर्फ सिंगल पेज जो है हमारा लैंडस्केप हो गया है। तो इस तरीके से बड़ा इजी तरीका आप अपना लैंडस्केप कर सकते हैं पेज को। और मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।